अब हम सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटरमाइन मोलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटरमाइन मोलर मास। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमें जानना होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड्स में अगर हम डिफाइन करें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसको हम इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशंस। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूशन। एंड और एनसीईआरटी में देखेंगे तो ऑल द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट इन रिस्पेक्टिव टू द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वह ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, न कि सॉल्यूशंस के अमाउंट या उसके नेचर या प्रकृति पे निर्भर करती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन। क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशंस पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करें, तो उसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। और एनसीईआरटी में क्लास 12th में जो हमें मेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करना है, वो कुछ इस प्रकार हैं, जिसका पहला टाइप है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब हम राउल्ट्स लॉ का डिस्कशन कर रहे थे, तो उस टाइम मैंने बताया था आपको कि जब भी किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं, तो हमारे वोलेटाइल सॉल्वेंट की जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और कितना डिक्रीज हुआ है इसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के टर्म में पढ़ते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि जब हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस सॉल्यूशंस का, वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। और नेक्स्ट जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिला देते हैं, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट पहले जो होता है उससे डिक्रीज कर जाता है। तो इस टाइप के फेनोमेना को हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंडर डिस्कस करने वाले हैं आज। अब जो हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले
डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स के बारे में, जो कि राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा मूव होगा। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और इसका डेरिवेशंस भी देख लेते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्यों लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है? ड्यू टू एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग होती क्यों है? तो ड्यू टू एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देने से हमारी जो वेपर प्रेशर होता है पहले वाला वो डिक्रीज कर जाता है। अगर हमारे पास एक दो कंपोनेंट्स हों तो किसका वेपर प्रेशर हम ऑन एडिंग, देखिए अगर एग्जांपल्स के थ्रू हम समझें, ये है हमारा नॉन वोलेटाइल, ये वोलेटाइल और ये नॉन वोलेटाइल और ये वोलेटाइल, तो इसमें वेपर प्रेशर किसके कारण होगा? इसी के कारण और इसके कारण होगा। लेकिन अगर एक हमारे पास ऐसा कंपोनेंट है जिसमें सारे के सारे वोलेटाइल्स हैं तो इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर बराबर नहीं होगा। लेकिन हम कह सकते हैं ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूट है, तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ हम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी इक्वल पी वन, और जो इसमें एक्स टू है वो जीरो है। और P नॉट वन भी जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका कोई वेपर प्रेशर ही नहीं है, तो इसका वेपर प्रेशर हम ऐसे लिख सकते हैं। जिन क्लियर? इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम मोल फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट से एक चीज़ और तो लिख सकते हैं, P नॉट वन और X वन को लिख सकते हैं वन माइनस एक्स टू। जिन क्लियर? इसको हम 1 माइनस एक्स टू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? किससे? एक्स वन प्लस एक्स टू बराबर 1 होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स वन बराबर 1 माइनस एक्स टू। इजन क्लियर? तो यहाँ से मैंने इस फार्मूले में इसको पुट कर दिया है। अब देखिए, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब क्या हम लिख सकते हैं P1 माइनस X2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको हम लिख सकते हैं P0 माइनस P1। ये देखिए ध्यान से, तो ये क्या है? ये हमारा प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है और ये हमारे सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर है,
और इसी को एनसीईआरटी में डेल्टा पी के नाम से रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा पी के नाम से, और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग कितने का डिफरेंस है, देखिए ये है ओरिजिनल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर और ये है हमारे सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर। तो जब हमारा प्योर था तो उस टाइम इसका वेपर प्रेशर पी नॉट वन के बराबर था। देख लीजिए इसमें कौन क्या टर्म है, ये है प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर और यहाँ पे पी वन जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। इज इन क्लियर? तो जब प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर से, तो कितने का डिफरेंस है, पी नॉट वन माइनस पी वन का यहाँ पे डिफरेंस है। इज इन क्लियर? अब इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं, अब इस फार्मूले को हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिए, देखिए P नॉट वन माइनस पी वन बराबर पी नॉट वन बराबर एक्स टू, ये लिख सकते हैं। अब इस एक्स टू को क्या लिखा जा सकता है, मोल फ्रैक्शन में अगर इस टर्म को लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, तो एक्स टू बराबर एन टू एन वन प्लस एन टू लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं n2 n1 प्लस n2, यहाँ से इस x2 के बराबर n2। अगर हमारा जो सल्यूट है वो बहुत ही कम मात्रा में है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं और लिख सकते हैं p नॉट वन माइनस पी वन और p नॉट वन बराबर n2 टू बाई एन वन लिख सकते हैं। अब हम इसको एक टर्म में और लिख सकते हैं, वी नो दैट एन टू बाई एन वन, ये एन टू बाई एन वन किसके बराबर होता है, डब्लू वन और एम वन इंटू एम टू बराबर डब्लू टू, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। डब्लू टू बाई वन ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर? अरे यार यहाँ से ऐसे लिखा गया है, n2 बराबर हम लिख सकते हैं w2 बाई ये और n1 बराबर क्या लिख सकते हैं w1 बाई ये स्मॉल है ये कैपिटल है। क्लियर? और इसी वैल्यू को इसमें पुट कर दिया गया है n1 और n2 की, तो ये आ गया है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं p नॉट वन माइनस पी वन अपन पी नॉट वन बराबर डब्लू टू इंटू एम टू एम वन इंटू डब्लू वन। क्लियर है? तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। W1 एंड W2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है और M1 M2 है मोलर मासेस ऑफ सॉल्यूट और W1 एंड W2 है मासेस ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर क्वांटिटीज दी गई हो तो M2 को हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।